शिल्पी घर के काम से फ्री होती तो बोर होती, जिसके बाद उसने घर में ही दुकान खोलने की सोची। अरे ये इतने सारे कपड़े, अरे बहू क्या करेगी इनका। माँ जी, मैं घर में बोर होती हूँ तो सोचा सामने के कमरे में कपड़ों की दुकान खोल लूँ, घर का काम भी हो जाएगा और चार पैसों की कमाई भी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी तेरी मदद कर दिया करूँगी। वाह माँ जी, तब तो मजा आ जाएगा, अब हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाया करेंगी। अब क्या था, सास बहू का काम चल पड़ा। एक दिन, अरे राकेश की माँ सुनती हो, कहाँ चली गई? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे नंदिनी कहाँ हो, भूख लग रही है। पापा कहाँ है माँ? पता नहीं बेटा, भूख लग रही है, आज तो किसी ने चाय भी नहीं पूछी। तभी सास बहू घर के अंदर ढेर सारे सामान के साथ आती हैं और वो भी हंसती हुई। अरे माँ बहू, ये तो बड़ी अच्छी मार्केट दिखाई तूने, बड़ा ही सस्ता सामान था। हाँ माँ जी, और ये सामान हम डबल पैसों में बेचेंगे, मजा आ जाएगा। अरे बहू भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। माँ क्या बात है, आज किसी ने पापा को चाय भी नहीं दी। अरे बेटा, अब 40 साल में तेरे पापा ने क्या चाय बनाना भी नहीं सीखा। अरे बेटा रहने दे अब इस बहस को, तुम लोगों ने वैसे बनाया क्या है? बहू परेशान हो जाती है और सास को अकेले में लेकर जाती है। माँ जी, आज तो हम लोगों ने खाना ही नहीं बनाया। अरे बेटा, बाहर के छोले भटूरों से पेट इतना भर गया कि याद ही नहीं रहा कि घर में ये लोग भी हैं खाना खाने के लिए, अब क्या किया जाए। तभी घर में एक महिला आती है। जी वो सुना है आप लोगों के यहाँ साड़ी बिकती है, जरा दिखाएंगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। माँ जी आप इन्हें साड़ी दिखाइए, मैं तब तक पिताजी और इनके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। सास उस औरत को लेकर सामने वाले कमरे में चली जाती है जहाँ उन लोगों ने दुकान खोली थी। वहीं बहू भी किचन में चली जाती है। अब इतनी जल्दी क्या बनाऊं, पापा जी तो खाने के लिए भी बैठ गए हैं। आइडिया, मैं खाना बाहर से ही ऑर्डर कर देती हूँ। थोड़ी देर में खाना आ जाता है और बहू टेबल पर खाना लगा देती है। हे भगवान, कितनी कड़वी दाल बनाई है बेटा। नहीं नहीं पिताजी वो। क्या बात है नंदिनी, रोटी तो चबाई नहीं जा रही है, लग रहा है रबड़ खा रहा हूँ। एक तो इतने महंगे होटल से खाना मंगवाया और वो भी इन लोगों को पसंद नहीं आया। तभी सास नोट गिनती हुई बाहर आती है। वाह माँ जी, बड़ी कमाई हुई लगती है। हाँ, मैंने वो 2000 वाली साड़ी 3000 में बेच दी। अरे वाह माँ जी। दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं। मेरे पेट में ना बेटा जोर का दर्द हो रहा है। अरे माँ क्या हुआ, पेट में दर्द? बाहर का कुछ खाया था क्या, मैदा तो नहीं खा लिया? मैंने छोले भटूरे खाए थे। माँ क्यों खाए, आपको तो पता है कि आपको मैदा सूट नहीं करता। चलिए माँ को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तभी अंदर से पापा की आवाज आती है। हे भगवान, मेरा तो पेट खराब हो गया। सब पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी आपको क्या हुआ? खाना बासी था शायद। अरे पिताजी, नंदिनी जानती है कि बासी खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो ऐसा क्यों देगी, है ना नंदिनी? वो खाना मैंने बाहर से ऑर्डर किया था, मैं और माँ दुकान का सामान लेने गए थे इसलिए खाना नहीं बना पाए। क्या नंदिनी, दुकान के चक्कर में तुमने तो सारे घर का हाल बिगाड़ रखा है। चलो अब माँ और पापा को लेकर अस्पताल चलते हैं। अस्पताल में जाने पर डॉक्टर कहते हैं, हाँ इन दोनों को तो एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा। क्या, क्यों, पेट ही तो खराब है ना? हाँ तो घर ले जाइए ना, अगर लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है और हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन लोगों को एडमिट कर रहे हैं। नर्स जरा इन लोगों को बिल तो दे देना। चलिए मैं आप लोगों को पैक
संकेत समझा देती हूँ। जब बहू के हाथ में बिल आता है, हे भगवान, 60,000 रुपए, इतना तो मैंने कमाया भी ना था। अब समझ गई कि कमाई के चक्कर में घर के लोगों की सेहत के साथ मैं खिलवाड़ कर रही थी।